अभी का मौसम जो है ना एक नंबर है, बट सो फार गाइज एवरीथिंग इज गुड। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल, दिस इज योर डीएम ब्लॉग्स। और गाइज अभी हम लोग शाम को हैंग आउट करने के लिए निकला रहे हैं, यहाँ का वेदर तो एक नंबर है बस। तो इसी का हम लोग चिल आउट करने के लिए आए हुए हैं, तो बस आप जुड़े। सो गाइज अभी हम दोनों जरमुंडी एरिया में बासुकीनाथ धाम का कौन सा एरिया में हम लोग भटक रहे, मैं और मेरा दोस्त। गाइज यहाँ का आदमी सबका सोर्स ऑफ इनकम यही है, जो सावन महीना होता है ना उसी में कुछ इतना कमाना है, कुछ कर कमाता है और 12 महीना बैठ के खाना खाता है, करने के लिए कुछ जगह नहीं मिलता। तो इधर शाम का टाइम इधर उधर हम भटकते रहते हैं। तो हम और ये खाका भैया हम अभी निकलने वाले हैं कुछ एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए, सोचते हैं कुछ खुरावती करने का कोशिश करेंगे। कुछ यहाँ कुछ खास तो नहीं हो पाएगा, बट देन ऑल्सो वी आर ट्राइंग टू डू समथिंग, तो करें कुछ तो। गाइस ये घूमते घूमते हम लोगों की जगह मिला, ये फायर ब्रिकेट्स वाला एरिया है, तो क्यों ना थोड़ा सा हमको इधर उधर भटक लिया जाए, प्लस कुछ कुछ चीज आपको दिखाया जाए। हाँ भाई ये कैसे करके पूरा 120 रुपए करके, बट यार ये सब तो कच्चा है ना, कच्चा नहीं है ऐसे निकलेगा, ज्यादा पका हुआ तब खराब दिखेगा। हाँ थोड़ा थोड़ा येलो येलो रहेगा तो अच्छा लगता है ना, ये खाने में बढ़िया लगेगा भाई। ठीक ठीक देख लीजिए ना। नहीं नहीं ठीक आते हैं। हाँ भैया आइसक्रीम लगा, कैसे कैसे बोला है कौन वाला नहीं है आपको दो को दे दीजिए। तो फाइनली हमको ने दो आइसक्रीम ले लिया। So this is the exit point of this side guys। ये जो सीधा रास्ता जा रहा है ये किधर जाएगा? So ये तो देवघर भी जाता है रास्ता, तो देवघर क्या है भागलपुर, और ये कौन सा रास्ता जाएगा नो आइडिया, बट देखते हैं क्या होता है क्या नहीं आएगा। कौन सा दुमका जिला का कुछ एरिया है जो आपको हम एक्सप्लोर करवाएंगे, एंड देट इज ऑल्सो इन अ वेरी गुड वे। एक हटिया में पहुंच गए, देखते हैं क्या सवाल को लेके जाते हैं घर के लिए। मौसम को हम बहुत तारीफ कर रहे हैं, मेरा बहुत खूबसूरत लग रहा है। और हाँ गाइस अभी तो मेरा हालत सब कुछ बढ़िया है, आई जस्ट वांट टू नो कि आप सभी बढ़िया ही होंगे। और गाइस घर में हवा हम टाइम पे चल रहा है, सोच रही थी कि बारिश होगा बट बारिश नहीं हुआ। ये भादरी बच्चा हमने उनको धोखा दे दिया, थोड़ा बहुत सोचे थे कि साथ में मिल बांट के थोड़ा बहुत पाड़ी साड़ी करेंगे, थोड़ा बहुत हम लोग खाए पिए, दोनों अलग हो गया। नहीं 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 बाबू भागा तो भागा तू बैठा हुआ था, तेरा वेट कर रहा था, वेट कर रहा था, नहीं पूछा था क्योंकि यहाँ का तुमको लोकेशन वगैरह जगह वगैरह तुमको कैसे लगे जेन्युइनली बताओ? एकदम बढ़िया लग रहा है, घूमने बहुत मजा आ रहा है। नहीं नहीं घूमने हैंग आउट करने के लिए मेरे को वो बहुत बढ़िया लग रहा है, बट थिंग इज दैट ना यहाँ पे जगह वगैरह सब ना बहुत गांव देहात टाइप लग रहा है मेरे को,
मतलब बोले तो देहाती टाइप से लगा। मेरे को जो जरूरत, मेरे को जो जरूरत होता है ना वो जरूरत पूरा नहीं हो पाता है, उसके लिए बहुत दूर दूर जाना पड़ता है। कम से कम हम लोग 5 किलोमीटर गए थे दूर, पैदल गए थे, पैदल चल के आ रहे हैं। बस वही एक कमी है इस जगह की, बट बाकी अगर आप देखेंगे ना बहुत कुछ बने रहेगा साइड साइड, बट ये सब टेम्प्रेरी चीज है। एक होता है कि टेंट वगैरह से बना के दुकान फुकान कुछ टेंट जो सोल्जर लोगों के लिए रहने के लिए जगह, हॉस्पिटल वगैरह वो सब टेम्प्रेरी है। जैसे ये सावन ख़त्म हो जाएगी ये सब भी हट जाएगा, तब तो आपको लगेगा पूरा क्या है, कौन से इलाका में आ गया आपको पता ही नहीं चलेगा। बट अभी आप जैसे अगर एरिया में घूमेंगे फिरेंगे तो लगेगा कि वाह सब कुछ अच्छा खासा है, बट ये सब कुछ दिनों के लिए, जब तक सावन है तब तक है। जैसे सावन ख़त्म कुछ नहीं दिखेगा इला एरिया में, बस यही एक कमी है इस जगह में, और बाकी सब बढ़िया है। चल बैक।